अच्छा हमारा क्वेश्चन है, बेटा किसके लिए चाहिए? मम्मियों बेटा किस लिए चाहिए? तीन चीज बेटा किस लिए चाहिए? बोल बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा और मेरा वंश चलाएगा। ये तीन प्रमुख वजह हैं। हमारे घर में संतान होनी चाहिए, एक बेटा होना चाहिए, उसकी तीन प्रमुख वजह हैं जो हम चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, मेरे बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा और मेरा वंश चलाएगा। एक और बात है, मेरा नाम रोशन करेगा। क्या करेगा? रोशन करेगा, रोशन। रोशन करेगा। तूने किया जब तेरे पापा ने तुम्हें प्रकट किया था इस धरातल पर, उनने भी सोचा था मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा? तो वेयर इज अ रोशन? रोशन कांगो कहाँ है? गलत फहमी है कि मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा। पूरी जिंदगी लगा दी तुमने अपने बेटों का घर भरते भरते, पूरा जीवन बर्बाद कर दिया अपने बेटों का खजाना भरते भरते, अपने बारे में सोचा ही नहीं। मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करे, किसके बेटे ने किसका नाम रोशन किया? माय डियर, बेटे नाम रोशन नहीं करते, नाम रोशन करते हैं तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विचार। जिनके विचार अच्छे नहीं होते उनका नाम, उनका बाप, उनका बेटा कोई रोशन नहीं कर सकता, डुबा ही सकता है। ये कितनी बड़ी गलतफहमी है कि मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा। अरे बताइए मीरा जी के बेटे का नाम क्या? माताएं बताएं, आप ही की वो महिला सशक्तिकरण, आप बताओ मीरा जी के बेटे का नाम क्या बताना जरा। करमेती बाई के बेटे का नाम क्या था बताओ जरा, आप बताना। प्रहलाद जी के बेटे का नाम क्या है? ध्रुव जी के बेटे का नाम क्या है? नरसी के बेटे का नाम क्या है? तुलसी के बेटे का नाम क्या है? सूरा के बेटे का नाम क्या है? कितने नाम गिनाऊ? नामदेव तुकाराम इनके बेटों का नाम क्या है? कितने नाम गिनाऊ? श्रवण कुमार की तो शादी भी नहीं हुई थी, नाम हो गया और इतना नाम हुआ कि प्रत्येक हिंदू और हिंदुस्तानी उस श्रवण कुमार को नहीं भूल सकता जब तक ये धरती रहेगी। भूल गोगे? बदो भूलोगे श्रवण कुमार को? भूल सकते हो? तुम नहीं जानते श्रवण कुमार कौन है? वाकई तो शादी भी ना भाई, वो तो ऐसा ही बेचारो अपने माता पिता की सेवा करते करते ही चले गए। और ऐसी कोई, और अपने माँ बाप के प्रति कितना समर्पण। आज का बेटा कितना है, गुटका नहीं छोड़ता अपने पापा के कहने से, बनवा गांव छोड़ने की तो बात ही छोड़ दो, गुटका नहीं छोड़ता। और ये नाम रोशन करेगा तेरा? हमारे यहां मैं यहां रुक रहा हूं, कहूं हमारे यहां नहीं रुक रहा हूं, बस तो एक बार तो आई कि मैं तो अप डाउन कर लूं, पर फिर भी दर्शन ठाकुर जी के तो मैंने कहीं यहीं रुकता हूं। माँ एक जनो वो लगा रहो, बुहारू लगा रहो एक जनो, अब बेचारे की असी ना हो, अब वैसा मत मानना। वो भी गुटका खाए के, मैंने भैया ने 180 हाइट को या तो छोड़ दे कम से कम। अब मैंने तो कह दे वो छोड़ देगा कब हो ना। अब बोले बेटा नाम रोशन करेगा, तू गुटका खा और तेरे बाप बेटा नाम रोशन करेगा, क्या गजब का मजाक है। अगर चेंज लाना है तो अपने आप में लाइए, दूसरों में नहीं। अपने आप को सुधारिए, दूसरे नहीं। जब तुम सुधरोगे तो तुम्हें देख के चार लोग जरूर सुधर जाएंगे, लेकिन तुम सोचो हम तो वहीं रहेंगे पर दुनिया सुधर जाए, आई एम सॉरी टू से इम्पॉसिबल, नामुमकिन है। आज का बेटा श्रवण कुमार क्यों नहीं बन पा रहा है? इसलिए उसे श्रवण कुमार की कहानी पसंद नहीं है। क्यों नहीं है पसंद? क्योंकि वो मां बाप की आज्ञा का पालन नहीं कर सकता।
आज श्रवण कुमार की बात करें तो कहते वो जमाना नहीं है अब। क्यों? अब मम्मी पापा बेटा बेटी पेड़ पे से तोड़ के लाते हैं। जमाना कहां से बदला? अब सूरज जो है पृथ्वी में से उग रहा है, अब तुझे जो ऑक्सीजन मिलता है वो पेड़ों से नहीं मिलता है, अमरूद से मिलता है, खेत में से निकालता ऑक्सीजन को। कहां से बदला? बदला तो सिर्फ इंसान का विचार बदला, मेंटलिटी बदली, समय नहीं बदला। आज भी समय तो सूरज वही है, चंद्रमा भी वही है, पृथ्वी भी वही है, वृक्ष भी वही है, पहाड़ भी वही है, नदी भी वही है, जीवन भी तुम्हारा उन्हीं चीजों पे डिपेंड है। क्या बदला है? सिर्फ तुम लोग गलत होने के प्लान कर रहे हो, इसलिए तुमको सब कुछ बदला बदला नजर आ रहा है। बन के दिखाओ श्रवण कुमार, मान जाऊं मैं। माताएं, सावित्री का नाम सुना है? हैं? सावित्री कौन थी बोलो? क्या आपने कभी अपनी बेटी को बताया कि सावित्री बन के दिखाइयो? बोलो बोलो बोलो। बहू तो सावित्री हो क्यों जी? बहू तो सावित्री चाहिए, आज्ञाकारिणी। और बेटी? बोले रानी बन के जाए। कितना डबल माइंडेड गेम है भाई। बेटी रानी बने और वो सावित्री बने। कोशिश ये करो कि बहू को नहीं बेटी को रानी बना के रखो, तो तेरी बेटी अपने आप रानी बनकर रहेगी ससुराल में। हाँ माताएं आप धीरे बजाएंगे, मुझे पता था। हाँ तो हमें शास्त्र इसलिए प्रिय नहीं है क्योंकि हम सावित्री नहीं बनना चाहते, हम सीता नहीं बनना चाहते, हम महारानी लक्ष्मीबाई नहीं बनना चाहते। हमें इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि हम राम नहीं बनना चाहते, हम श्रवण कुमार नहीं बनना चाहते, हम लोग जो है अर्जुन नहीं बनना चाहते, इसलिए शास्त्र प्रिय नहीं है। इसलिए बेटा नाम रोशन नहीं करेगा। कौन करेगा नाम रोशन? मेरे खुद के कर्म करेंगे मेरा नाम रोशन। अगर चाहते हो मेरा नाम रोशन हो तो बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है कि मेरे कर्म अच्छे हों, श्रेष्ठ हों, समाज के हित के लिए हों, तो निश्चित मेरा नाम रोशन हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकेगा। अगर सिर्फ अपने ही स्वार्थ के लिए हों, करे जाओ करे जाओ करे जाओ, इट्स ओके। दूसरी बात, मेरा बेटा मेरी क्या करेगा? जोर से हाँ, ये बात, मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा। तुमने करी है कभी? करी है? कल ते आए हम यहां। कब ते? कल ते। आगे बोल लो का कांगो रे तू, आयो कल ते? एक उतना कब आयो? पूछी महाराज जी का जो सेवा करूं बैठ को पहली लाइन में, और कल ते अभी तक ना आयो, न्यो पूछवे महाराज जी तुम्हें कुछ सेवा करूं। ये तो मेरा विषय दूसरा है, पर मैं कहना चाहता हूं, क्या हमने अपने माँ बाप की सेवा करी? करी? जब मैं अपने माँ बाप की सेवा नहीं करूंगा तो मेरे बच्चे मेरी सेवा क्यों करेंगे? उनको नहीं पता कि मैंने मेरे माँ बाप के साथ क्या किया है? मैं चाहूंगा मीडिया कर्मियों को, जो भी यहां बैठे हैं, इस बात को आपको छापना चाहिए, दिखाना चाहिए और समाज को यह बताना चाहिए कि अगर तुमने तुम्हारे मां बाप का मान सम्मान नहीं रखा, तुमने अपने मां बाप की सेवा नहीं करी, तो आने वाली पीढ़ी तुमसे भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। वो तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करेगी, तुम्हें देखना तक पसंद नहीं करेगी वो पीढ़ी। कैसे संभव है कि हम अपने माँ बाप को इग्नोर कर दें, और अपने माँ बाप को इग्नोर करने के बाद हम ये कल्पना करें कि मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा? नहीं, पहले मुझे अपने चरित्र से उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ेगा। पहले मैं अपने मम्मी पापा दादी दादा बड़ों के प्रति मेरी जो सेवा की व्यवस्था है वो अच्छी होगी, तो मेरे बच्चे मुझे देखेंगे, तो संभावना है कि बुढ़ापे में तुम्हारी सेवा होगी। एक और बात, मेरा बेटा बुढ़ापे में मेरा क्या बनेगा? हैं जी? हाय मेरा प्यारा, बुढ़ापे में बनेगा मेरा सहारा।
तेरा बेटा पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बेंगलोर से पढ़ाई करी उसने, अमेरिका की कंपनी ने उसे ऑफर किया। इकलौता बेटा इंजीनियर पुलकित सिंह, अमेरिका की कंपनी ने उसे 60 लाख का पैकेज दे दिया। क्या दे दिया, जोर से बोलो, इकलौते बेटे पुलकित सिंह को, इंजीनियर पुलकित सिंह को 60 लाख का पैकेज मिल गया। अब पापा जी यही बनवारीपुर में खेत में काम करते। अब बताओ तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनवारीपुर में रहेगा या फिर, जवाब दो, इंजीनियर पुलकित सिंह कहां जाएंगे, जोर से, फिर तुम्हारो सहारो कांगो ले ले, करवा ले सहारा, बना ले सहारा, बना ले। क्यों नहीं बना वो सहारा, क्यों नहीं बन सका वो सहारा? क्योंकि हमने बताया कि पैसा ही सब कुछ है। पैसे के लिए भाई से लड़ जाओ, पैसे के लिए माँ बाप से लड़ जाओ, पैसे के लिए पड़ोसी से लड़ जाओ, पैसे के लिए पति से लड़ जाओ, पैसे के लिए पत्नी से, सब से लड़ जाओ, सिर्फ पैसा चाहिए। जब पैसा ही चाहिए तो 60 लाख का पैकेज मिला, वो चला गया। फिर उसे मम्मी पापा नहीं चाहिए, उसे बुढ़ापे का सहारा नहीं बनना, तो वो सहारा बन गया किसी कंपनी का। न तो सेवा के लिए तैयार हुआ, न सहारे के लिए तैयार हुआ, ना नाम करने के लिए तैयार हुआ, मेरा वंश चलाएगा। अब वंश चलाने का काम तो व्यक्ति का नहीं है। अगर रामायण पे विश्वास करें तो हानि लाभ जीवन मरण यस अपयस विधि, हाँ या ना, हानि लाभ जीवन मरण यस अपयस विधि, वो तो भगवान के हाथ में, फिर ये बेटा कहां से करेगा? अब यहां बेटे की गलती नहीं, अगर हम कहें बेटे बड़े गलत है, ना बेटा गलत नहीं है, हमारी थिंकिंग गलत है, हमारी सोच गलत है, हमारे विचार गलत हैं। हमने सोचा कि मेरा बेटा मेरा नाम करेगा, क्यों करेगा, जब मैं जिंदा हूं, भगवान ने मुझे भेजा है तो मैं ऐसा कार्य करूं कि मेरा नाम अपना हो जाए, मुझे बेटे के सहारे रहने की आवश्यकता ही नहीं। मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, क्यों बनेगा भाई, भगवान से तुम मांगी क्यों रहे हो ऐसी जिंदगी कि तुम्हें सारे की आवश्यकता पड़े? भगवान से मांगना है तो ये मांगो, इतनी शक्ति हमें दो न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कभी भूल, हे गोविंद मुझे ऐसा जीवन देना कि मुझे कभी किसी के सहारे की आवश्यकता न पड़े, अगर किसी को भी सहारे की आवश्यकता पड़े तो मैं उसका सहारा बन सकूं, ऐसा सामर्थ्य प्राप्त कराओ मुझे।